हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टर्मक का जो एडवांस कमांड है उसके बारे में। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखी है तो सिंपल से आवर में जो आई बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो उस वीडियो का लिंक रख दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो मेरा नाम है रोशन शर्मा और आप देख रहे हैं मिस्टर कंप्यूटर ज्ञान चैनल, और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा पहला कमांड है, अगर आपको देखना है कि आपके जो टर्मक्स है उसमें कितने पैकेज इंस्टॉल है और कितने नहीं, तो वो देखने के लिए आपको सिंपल से कमांड लगाना पड़ेगा अपने टर्मक्स में, pkg list-, उसके बाद आपको लगाना है ऑल, लिखकर आपको टाइप कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी इसमें पैकेज है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। दोस्तों, इस कमांड की मदद से आप देख सकते हैं कि आपके टर्मक्स में पैकेज इंस्टॉल है और कितने नहीं, वो आप देख सकते हैं pkg list-all कमांड के मदद से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगला कमांड आता है, अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है आपकी टर्मक्स में तो वो कैसे करेंगे अपने टर्मक्स की मदद से। उसके लिए आपको कमांड लगाना पड़ेगा अपने टर्मक्स में, तो आपको लिखना है अपने टर्मक्स में pkg और उसके बाद है लिखना है आपको इंस्टॉल और उसके बाद आपको इंटर कर देना है। तो अब इंटर करते ही मेरा जो पहले से ही पैकेज इंस्टॉल हो चुका है इसीलिए यहाँ पर डन दिखा रहा है, सक्सेसफुली दिखा रहा है। अगर आपके टर्मक्स में ये पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो आप कमांड के मदद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेरा जो पैकेज था वो ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसीलिए अगर आप टर्मक्स में पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो आप pkg इंस्टॉल टाइप करके इंटर प्रेस करते ही आपका जो जितने भी पैकेज होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, अब अगला कमांड आता है, अगर आप जो गिट होता है उसको अपने टर्मक्स में कैसे इंस्टॉल करें। दोस्तों, गिट को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल से कमांड लगाना पड़ेगा अपने टर्मक्स में pkg, उसके बाद आपको लिखना है इंस्टॉल और उसके बाद आपको लिख देना है गिट और आपको सिंपली इंटर कर देना है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा गिट पैकेज है वो भी इंस्टॉल हो चुका है, पहले से ही इंस्टॉल है। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आपकी टर्मक्स में गिट पैकेज भी इंस्टॉल हो तो उसके लिए आपको कमांड लगाना पड़ेगा pkg इंस्टॉल गिट और उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, तो आपका जो गिट पैकेज है वो आपके टर्मक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको अपने टर्मक्स में पाइथन को इंस्टॉल करना है तो आप कैसे करेंगे अपने टर्मक्स में, तो उसके लिए आपको कमांड लगाना पड़ेगा अपने टर्मक्स में। आपको सिंपल से लिख देना है pkg और उसके बाद आपको लिखना है इंस्टॉल और उसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है पाइथन और यहाँ पर इंटर कर देना है। तो उसके बाद आपसे ये पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू करना है तो आपको सिंपल से यहाँ वाई प्रेस कर देना, वाई टाइप करके इंटर कर देना है। तो उसके बाद ये प्रोसेसिंग होने लगेगा, वर्किंग करने लगेगा और आपका जो पाइथन है आपके टर्मक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, तो आप इसी तरह से अपने टर्मक्स में पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आपने तो पैकेज को इंस्टॉल करना सीख लिया, लेकिन अगर आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप अपने टर्मक्स में कमांड लगाइए pkg अनइंस्टॉल और आपको जिस पैकेज को अनइंस्टॉल करना है उस पैकेज का वहाँ पर नाम रख दीजिए और इंटर कर दीजिए, उसके बाद ये खुद अनइंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, अगला कमांड आता है, अगर आपको कोई भी टूल्स डाउनलोड करके अपने टर्मक्स में इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको अपने टर्मक्स में कमांड लगाना पड़ेगा गिट क्लोन और उसके बाद आपका जो टूल्स है उसका लिंक यहाँ पर सिंपली कॉपी कर देना है और इसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है, तो आपका जो टूल्स होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके टर्मक्स में। तो देख लेते हैं कैसे। आप अपने कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और मान लीजिए मुझे FBI टूल्स की जरूरत है और मैं उसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको सिंपली सर्च बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आप लिखना है जिस भी टूल आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस टूल का नाम लिख दीजिए और साइड में GitHub लगा दीजिए और उसके बाद आपको सर्च कर देना है। तो सर्च करते ही आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, तो आप डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लीजिए और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड यहाँ से इसको इस लिंक को कॉपी कर लेना है और सिंपली आप अपने टर्मक्स पे आप कमांड लगाइए गिट क्लोन और उसके बाद आप यहाँ पर उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो इंटर प्रेस करते ही आपका जो प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा, FBI टूल आपके टर्मक्स में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसी तरह से अगर आपका इंटरनेट स्पीड है तो ये जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा FBI टूल्स है जो यहाँ पर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है।
तो दोस्तों अगर आपको कोई भी, तो आप इसी तरह से अपने कोई भी टूल्स गिटहब से कॉपी कीजिए उसका लिंक और अपने डॉलमक्स पे आके गिट क्लोन लिखिए और उसमें अपना लिंक पेस्ट कर दीजिए और इंटर प्रेस करते ही आपका जो टूल्स होगा जो डॉलमक्स में इंस्टॉल हो जाएगा। तो है ना ये सिंपल। हाँ दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सिंपली डॉलमक्स पे जाना है और वहाँ पर आपको कमांड टाइप कर देना है UUSH एंड उसके बाद आपको नाम से आपको फाइल बनाना है, फाइल का यहाँ पर नाम लिख देना है। लीजिए मैं यहाँ पर रोशन नाम से एक फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पर इसका एक्सटेंशन भी रख देता हूँ TXT और सिंपली ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अगर आपको देखना है आप सिंपली ls कमांड क्लिक कीजिए और यहाँ पर देख सकते हैं एक roshan.txt नाम का एक फाइल बनकर रेडी हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम अपने टर्मक्स कमांड के मदद से टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करेंगे टर्मक्स टूल के बारे में, टर्मक्स टूल सब क्या क्या है और उसका यूज भी हम क्या यूज भी करके देखेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ।